भाई इसकी बहन भी पढ़ती है कॉलेज में, और सुना है बहुत सुंदर है। भाई मन ने एक बंदूक चाहिए। पापा के करे जाओ आप। ईब के हो गया भाई। पिछले महीने तो आपका हार्ट अटैक आया था, और मां नु कहू थी आप उन्हें बनाडे जाओ सारी आन। अरे कुछ ना है, न्यू कहे जा हवा दे। ठीक सु मैं। पापा आपकी उम्र होगी इब, उक्का पीना छोड़ दो। अरे अच्छा, अपने बब्बू ने सिखाया होगा है तने। बेरा मेरे तो उक्का पीना किने सिखाया था? किसने? महावीर भाई ने। ताऊ ने? हाँ बेटा, बड़े भाई साहब ने। लग गए है आप दोनों में घना प्यार था। अरे बहुत प्यार था बेटा, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं दोनों ने इस जिंदगी में। अच्छा और बेटा, जब मैं 8 साल का था ना, मेरे माँ और बब्बू मिलकर खेती करा करते। बहुत छोटी सी जमीन थी मारे। अरे वाह पापा, आपने खेती भी करी है। बेटा रोई थे। खेती तो उन्होंने 3 ने 4 साल करी है, फिर मेरे पापा ने उड़े डेयरी का काम बढ़ा दिया, जब तो वह जमीन खाली पड़ी है। पर हमने याद बहुत बनाई है उन्हें। कौन सी याद दे? बेटा रोई थे, मैं और महावीर भाई साहब तड़के चलाए जाया करते अपने खेता में, उड़े लोटे रहा करते सारे दिन। उड़े थे स्कूल में, स्कूल तो उड़े उड़े खाया करते पिया करते, सांझ न घर आया करते, सारे दिन उड़े गदा मस्ती करे जाया करते। यह तो गलत बात है पापा, हमने तो सारी अन्नाटे जाया करो खेलन कूदन ते, और आप सारा दिन बाहर। अरे थारे की डाल मार दर टीवी मोबाइल थोड़ी थे, वो जमीन का टुकड़ा था, वो की खुशबू में लोटे रहा करते मिट्टी में, उड़े खेले जाया करते। बहुत बढ़िया बात है। वह जगह मेरे दिल के बहुत करीब है। पर ऐसा क्यों? ये सब भी के खास है उड़े। बेटा यह पहली सी चीज थी जिन हम अपना कह सका थे। मेरे माँ बाप ने मेरे जन्म के टाइम ली दिया, फिर मरण तो पहले हम बिजनेस तो सारा कर दिया महावीर भाई साहब के नाम, और यह जमीन कर दी मेरे नाम। अच्छा फिर? फिर के भाई 17-18 साल की उम्र में शहर में आगे नौकरी करने, जब पाछे जमीन देखने गए ना कदे। फिर जमीन का के? पता नहीं बेटा, पर दिल तो बहुत है कि उड़े जाऊं और एक छोटा सा मकान बना दूं। बनाएगा पापा, जरूर बनाएगा। भाई मन तो मेरा भी बहुत करे। पापा चिंता मत करे, जो तेरा मन करेगा ना वो ही होगा, और अपनी जमीन पे अपना एक छोटा सा मकान जरूर बनाएगा। यार नु तो सांस थी, मैं नुए ढूंढे जाऊंगा, पावे ही ना मने, किसे तो बूझ नहीं पड़ेगी। वो बैठे एक भाई, उससे बूझूंगा। भाई साहब सेक्टर 21 की रोड कहाँ पर है? जाना कहाँ आपको? सहरावत जी की जमीन थी वहाँ, वहीं जाना है। अच्छा, सहरावत जी के बेटे हो आप? हाँ भाई, आप जानो कि मेरे पापा ने? हाँ, उन्हीं के घर के पास तो रहते हम, और मेरे पापा ने बताया था आपके पापा के बारे में। और अब कैसे हैं अंकल? फिलहाल तो ठीक है, बस पिछले महीने है ना थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्यों, क्या हो गया? पिछले महीने पापा का हार्ट अटैक आ गया था, जब तक फिर डॉक्टर ने घूमन फिरन तो मना करी है। अच्छा, ध्यान रखो फिर पापा का। और यहाँ आना कैसे हुआ? पापा जमीन के बारे में बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे पुश्तैनी जमीन है, पापा का बहुत मन है वहाँ मकान बनाने का। चलो ठीक है फिर, जमीन देख के शाम को मेरे घर आना। अरे रोड पे जाओगे ना सीधे जाके राइट हैंड को मुड़ जाना, सेक्टर 21 है। ठीक है भाई, शाम को मिलते हैं। जो एड्रेस दे रखे उसके हिसाब से है जमीन अपनी। अपनी जमीन तो बहुत बढ़िया है, पापा द्वारा फोटो भेज दूँ इसके, राजी हो जाएगा। अरे ये तुम्हारी जमीन की फोटो है? फोन करो रोहित दौरे, लागे उड़े जा रहे हैं। पापा का ही फोन आ गया। हेलो। अरे बेटा तू गांव में जा रहा है, बता ही नहीं तने। अरे बता देता तो ये स्माइल कैसे आती है आपके चेहरे पे। बेटा दिल खुश कर दिया, कैसी लगी फिर अपनी जमीन? काफी बढ़िया एरिया है, और पास में एक स्कूल भी है, वो ही बहुत बढ़िया है, बुद्धा इंटरनेशनल,
और यहाँ पे बहुत बढ़िया घर बनेगा। तेरे मुंह में घी शक्कर। एक दो दिन में आता हूँ, फिर करते हैं घर की बात। ये तो बहुत बढ़िया है। ठीक है पापा, राम राम। ठीक है बेटा, राम राम। और भाई ठीक है, कही थी ना शाम ना आऊंगा। ठीक करे भाई। और जमीन देखा है अपनी? हाँ भाई देख ली। अरे पापा दो रहे ना, फोटो भी भेज दिए। दिखा भाई मेरे तेरी फोटो। भाई ये है या जमीन? या जमीन तो भाई हमारे एमएलए की है। ना यार, या जमीन तुम्हारी है। पर भाई पिछले 4-5 साल से तो एमएलए इस जमीन पे कभी कैंपेन करता है, कभी रात को पार्टी करता है, कभी रेंट पे देता है। इस जमीन से तो वो लाखों कमाता है। के बात करे है यार, मारी जमीन पे। हाँ भाई, लगता है फिर एमएलए ने कब्जा कर रखा है इस जमीन पे। कब्जा ऐसे कैसे कर लिया? कागज तो हमारे पास है सारे। भाई अंकल जी से बात करो फिर एक बार। ठीक कह रहा भाई, अभी फोन करता हूँ। हेलो। हाँ बेटा, निकल गया वहां से? नहीं पापा, लेकिन एक बात पूछनी थी आपसे। बोल बेटे, क्या हुआ? आपने कभी जमीन ये एमएलओ को बेची थी? बेची? नहीं बेटा, हमने कभी नहीं बेची। दादाजी ने दी हो कभी? नहीं बेटा, मेरे ध्यान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? जो आपके पड़ोसी थे ना गांव वाले घर के, डबास जी, उनका लड़का बता रहा है पिछले 4-5 साल में किसी एमएलए ने कब्जा कर रखा उस पर, और सबको ऐसे लगता है उसी की जमीन है। मेरी बात सुन, हमने कभी किसी को वो जमीन नहीं बेची। चलो मैं पता करता हूँ, आप टेंशन मत लो। और हाँ रोहित, एक बात और, वो जमीन तेरे दादाजी ने ना 6 महीने के लिए गिरवी रखी थी। हाँ, लेकिन 4 महीने में ब्याज समेत पैसे देके और अपने कागज वापिस ले आए थे। हाँ ठीक है। अच्छा अप्पा, मैं भी यहीं रुकता हूँ, थोड़े दिन में आता हूँ मैं, और कल पुलिस से बात करके भी आऊँगा। ठीक है, राम राम। ठीक है बेटा। लेकिन भाई यहाँ की पुलिस तो एमएलए की सुनती है। देख लेंगे जो होगा यार, अपनी जमीन ऐसे किसी को दे छोड़ सकते हैं। सर आपसे बात करनी थी। अच्छा के होया यार, बैठ के बता। सर हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। कौन सी जमीन? सेक्टर 21 है ना, उसकी डिवाइडर वाली रोड के पास ही है। क्या बात कर रहा है, वो तो एमएलए साहब की जमीन है। कैसी बात कर रहे हो जी, वो मेरे पापा के नाम पर है। क्या नाम है तेरे पापा का? मिस्टर अशोक शेरावत। कौन अशोक शेरावत? गांव में तो नहीं रहता, मैं तो नहीं जानता किसी अशोक शेरावत को। जी पापा 17 साल की उम्र में दिल्ली चले गए थे और तब से आए नहीं है, और मैं भी पहली बार ही आया हूँ। तो क्या करने आया तू यहाँ पे? जी अपनी जमीन पे घर बनाना है, और मेरे पापा का सपना है ये। ओ भाई, मैं कैसे मान लूँ जमीन तेरी है? जी सारे पेपर है मेरे पास, आप चाहो तो दिखा सकता हूँ मैं। नकली पेपर बनाने में कौन सा टाइम लगता है? जी आप मेरी कंप्लेन लिखो, कागज असली है नकली है इसका फैसला तो कोर्ट में होगा। तू मुझे सिखाएगा कैसे काम करना है? किसी को तो सिखाना पड़ेगा ना। तू जानता नहीं है किससे बात कर रहा, तेरे जैसे यहाँ बहुत आते हैं। मेरे जैसा अब तक नहीं आया होगा। वो तो समय बताएगा, चल निकल यहाँ से। जा रहा हूँ, पर एक बात ध्यान रखना, आप लोगों की सेवा के लिए हो यहाँ पर, एमएलए की सेवा के लिए नहीं। इसलिए एमएलए की चमचागिरी छोड़ो और देश के भी काम आओ। हेलो एमएलए साहब, एक लड़का आया था सेक्टर 21 वाली जमीन के मैटर में। अच्छा ठीक है, और कुछ मैटर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लड़के को फोन करता हूँ, वही देखेगा जमीन के काम को। ओए रुक रुक, पापा फोन आ गया। हेलो हाँ पापा, राम राम। राम राम बेटा, कहाँ है? पापा दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, आप कब आओगे दिल्ली से? मैं किसी काम में फंसा हुआ हूँ। अच्छा सुन, तुझे मेरा है ना एक काम करना है। पापा आप काम बताओ, आज ही हो जाएगा।
वो सेक्टर 21 की जमीन है ना? वो हमारे टेंट के बिजनेस वाली जमीन। हाँ वही। क्या करना उसका? अरे मैंने तुझे बताया था ना कि वो जमीन के डुप्लीकेट कागज बनवाए थे, जब उसका मालिक कोई सहरावत है वो तेरे दादा के पास गिरवी रखने आया था। हाँ बताया था, तो पैसे दिए नहीं थे उन्होंने? पैसे तो उन्होंने 6 महीने में दे दिए थे, लेकिन तेरे दादा को जमीन से प्यार भी तो बहुत था। जमीन से तो पापा हम सब कोई प्यार है। हाँ तो पुलिस का फोन आया था, जिसके नाम जमीन है उसका लड़का आया था जमीन पे घर बनाने के लिए। पापा आप टेंशन मत लो, उनसे रहतों का वहाँ घर नहीं बनेगा। हाँ ठीक है बेटा, देख लियो। ठीक है पापा, राम राम। ओए, तू रोहित है ना? हाँ, तू कौन है? अच्छा बेटा, हमारे इलाके में आके हमसे पूछ रहा हम कौन? मोहित भाई एमएलए साहब के बेटे हैं। अच्छा तो तू है, मैं मिलने आने ही वाला था। कोई जरूरत नहीं है, जब भैया का मन होता है ना वो खुद ही मिलने आ जाते हैं। तुम दोनों क्या बोल रहे हो, तुम्हारे भैया का मुंह नहीं है क्या? ओए, अरे शांत शांत, ये जानता नहीं हम कौन है। कोई नहीं, समझा देंगे। जितना गांव ये तेरा है ना उतना मेरा भी है। तुम शहरी लड़कों की यही दिक्कत है, गुर्दा तो होता नहीं है और आ जाते हैं लड़ने। भैया जी प्यार से समझा रहे हैं तेरे को। क्या समझा रहे हैं तुम्हारे गूंगे भैया? अबे शांत सुन लड़के, सेक्टर 21 वाली जमीन हमारी है, तू उससे दूर ही रह जब ही तेरा फायदा है। वो तुम्हारी नहीं हमारी जमीन है, वो भी पुश्तैनी। हमारा काम तुझे समझाना था, तू समझ गया तो ठीक, नहीं तो। नहीं तो क्या? नहीं तो मैंने सुना तेरे बाप की तबीयत खराब है, हार्ट अटैक आया था, अगर लड़के को कुछ हो गया तो सहन ही नहीं कर पाएगा। भाई इसकी बहन भी पढ़ती है कॉलेज में, और सुना है बहुत सुंदर है। अरे ओ मेरी बहन के बारे में अपनी गंदी जुबान से मत बोल। तेरे बाप की तबीयत खराब है, जाके उसका ध्यान रख, वही तेरे लिए अच्छा है, वही तेरे परिवार के लिए अच्छा है। देख मेरे परिवार का आज भी आई ने थारी वजह है, तन्ने और तेरे बाप ने दोनों ने मार दूंगा। तो भैया पे हाथ उठाएगा, तू है कौन साड़ा? ये ऐसे नहीं मानेगा, मारो इसको। अब मेरी बात सुन कान खोल के, उस जमीन के पास भटका ना तो तेरी लाश तेरे घर जाएगी। भाई ये चोट कैसे लग गई? अरे कुछ नहीं भाई, एमएलए का लड़का और उसके चेले आए थे। क्या बोल रहे थे वो? ऐसे कह रहे थे कि भाई जमीन से दूर रहे। तो फिर भाई अब पुलिस के पास चले? अरे कोई फायदा नहीं है, पुलिस भी की हुई है। तो भाई अब क्या करेगा? भाई दिक्कत मत ले, अब इन लोगों को है ना सबक सिखा के रहूंगा मैं, बेशक मन कुछ भी करना पड़े। भाई एमएलए और उसके लड़के का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाई तो क्या करूँ, अपने पापा का सपना जमीन इन तक दे दू के, जिंदगी में सब कुछ सीखा है, बस किसी आग का झुकना ना सीखा। भाई ये बहुत घटिया लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते हम इनका, और कानून भी इनके हाथ में है। भाई मैंने अपने पापा के सपने के आगे है ना कुछ ना दिखता इब, लेकिन तने एक बात ठीक कही है, ये कोई भी हद पार कर सके है, इस मारे तू मेरे पहने एक एहसान कर दे। बोल भाई। भाई मैं अपने घराड़ा ने है ना याडे बुलाऊ हूँ, वे दिल्ली में सेफ कोन्या, हरियाणा जो मारा घर है ना उड़े भी उनकी नजर है, इस मारे न्यू चाहू भाई तू न अपने घर रख ले थोड़े दिन। भाई तू दिक्कत मत ले, तेरे घर वाला का ध्यान मैं रखूंगा। भाई एहसान रहेगा तेरा। अरे भाई ऐसे मत बोल, तेरे दादा ने बहुत मदद की उस टाइम पे हमारी, बस ये समझ ले उन एहसानों का कर्ज उतार रहा हूँ। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई ये तो बता तू करेगा क्या? ये बुन है ना उनने की भाषा में जवाब दूंगा। यो कौन से का फोन आ गया ये? हेलो हेलो
कौन बोल रहा है भाई? रोहित बोल रहा हूँ, शरावत। भाई साहब इतने टाइम तक आपका फोन नहीं आया, फोन में मेरे सारे नंबर खो रहे हैं। अरे कोई बात ना भाई, है तू पना। सुना भाई क्यों कर याद करा हमारे लायक सेवा को? भाई मन ने एक बंदूक चाहिए। बिल्कुल भाई, कल पहुंचा देंगे जिम की बात होगी, लड़के भी भेज देंगे थोड़े बहुत। ना भाई एक लाए बतेरा। बिल्कुल भाई साहब, वैसे नहीं तो बता दो किसकी शामत आई है। अरे कदे फुर्सत में बताऊंगा, बस तू न्यू बता बंदूक कत्ते ही भजवा देगा। भाई आज शाम थी पहुंच जाएगी भाई पे। ठीक है प्रधान, फिर राम राम। ठीक है भाई, राम राम। ओए कदो, मैं तुमको एक काम बोला था, हुआ तुमसे? हाँ भैया, हमने आपका 12th पास का झूठा सर्टिफिकेट बनवा दिया। अरे वो नहीं। अरे हाँ, आपके लिए अंडरवियर का पजामा लेके आना था ना। ओ गधे, वो अंडरवियर नहीं भाई, अंडर आर्म्स होता है वो। कैसे गवारों की फौज इकट्ठा कर रखी है, अंडर आर्मर होता है वो। अरे हाँ वही ले आए बॉस। अरे वो तो पता है, आज सुबह वही पहना था, पहन के पूछ वो लेके आया या नहीं। तो फिर क्या भैया? अरे जो वो लड़का जमीन के लिए घूम रहा है, उसके घर वालों के लिए पता करने के बोला था ना। अरे हाँ, वो अपने दिल्ली वाले घर में तो है ही नहीं। क्या घर में नहीं है? और उसकी बहन जो हॉस्टल में पढ़ती थी वो कहाँ है? भैया जी उसका भी कोई अता पता नहीं है। अरे रातों रात कहाँ गायब हो गया इसका परिवार? और ये लड़का रोहित कहाँ है? पता नहीं भैया, पर मैंने रोहित को उसके घर के आसपास देखा था। क्या हुआ, घरवाले नहीं मिल रहे क्या? बेटा आप घरवालों को क्या करना है, तू आ तो गया माफी मांगने, फिर आ गया तुम्हार खाने। बकवास करने की जरूरत नहीं है, जमीन के पेपर दे जो तुम्हारे पास है। वे थोड़ी तमीज में, MLA के बेटे के सामने खड़ा है तू, तेरी जमीन के साथ साथ तेरे बाप को भी खरीद लेंगे हम। बाप पर मत जा। हाँ भाई बाप पर क्यों जा रहे हो, बहन पर जाओ, वो तो जवान भी है। ओए अगर मन ने गोली चला दी ना तो भेजा कोई जगह थारे भैया का। नहीं नहीं रोहित, गलत पंगा ले रहा तू, मेरे पापा को पता चल गया ना, तेरे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। बंदूक तान के खड़ा हूँ, तो सोच का रहा हूँ मन ने क्या करना है, और अपने पापा के सपने थे इतना सब कुछ कर सकूं, अपने परिवार थे की शक्ति जा सकूं मैं, सोच कर देख। भाई इसको पेपर दे दो, नहीं तो ये मार देगा, इसको किसी का डर नहीं है। अरे तो फिर क्या देख रहे हो, मेरे मरने का इंतजार करोगे क्या? जा कागज लेके आ भाग के। अब तुम्हारा कोई हक नहीं उस जमीन पे, उस जमीन से और मेरे परिवार से दूर रहना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, छह की छह भीतर में गाड़ दूंगा। भैया आप अपने पापा को अब क्या बोलोगे? अरे ये थोड़ी ना बोलूंगा कि डराकर जमीन के कागज ले गया, वैसे ही पापा नकारा समझते हैं और भरोसा भी नहीं करते। तो फिर? अरे बोल दूंगा कि रोहित पुराना दोस्त निकला, भाई समझ कर जमीन दे दी, और पैसा इतना है, सेक्टर 14 में जमीन ले लेंगे और भी काम बढ़िया चलेगा। भैया इस बार जमीन खरीद लेना, वरना कोई दोबारा रोहित जैसा आ गया ना, जान पे बनाएंगी और आप अपने साथ हमें भी मरवाओगे। भाई क्या, तो बिल्कुल सही रहा है तू, इस बार पक्का खरीद लेंगे, जान ज्यादा जरूरी है भाई। और भाई किस हो सारे, अरे भाई कैसी लग गया वीडियो, बढ़िया लागी हो भुंडी लागी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दियो। अरे भाई ये कब्जे कुब्जे बढ़िया चीज़ नहीं है, भगवान ने जितना दिया है और जितना मैंने तक कमाया है उसमें राजी रहना चाहिए। राम राम।
जा जल्दी कागज लेके आ भाग के। ठीक है भाई अभी लेके आता हूँ। जल्दी जल्दी बॉडी मार देगा। जान ज्यादा जरूरी है।